इस मदरबोर्ड में आज हम देखेंगे कि 19 वोल्ट की शॉर्टिंग कैसे निकाली जाती है, क्योंकि इस बोर्ड में 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। तो 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, पहले तो हमें पता करना है कि पता कैसे करेंगे कि 19 वोल्ट शॉर्ट है इसमें, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर टूल की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप मल्टीमीटर ले लो। मल्टीमीटर के बाद आप पता कहाँ से करेंगे कि 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है ना। तो आपको पता है कि डीसी जैक इसमें ये रहा, डीसी जैक के बाद दो मॉस्फेट आते हैं विन सर्किट के, जो आरबी फेट एसी फेट मॉस्फेट होते हैं, उसके बाद हमारा सीएलआर आता है, सीएलआर आता है करंट लिमिट रजिस्टर। तो जो सीएलआर है वो हमारे पूरे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कॉमन रजिस्टर है, ठीक है। तो हमें वहीं से पता चलता है कि हमारे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा दीजिए, ठीक है। मैं भी डायोड मोड पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं डायोड मोड पे मैंने लगा दिया है। और सीएलआर को ढूंढ लीजिए आप, तो मेरे बोर्ड में जो सीएलआर है वो ये है, और यहाँ के जो दो मॉस्फेट है आपको ये पीछे मिलेंगे, ये रहे मेरे फर्स्ट मॉस्फेट एंड सेकेंड मॉस्फेट। तो दो मॉस्फेट तो यहाँ है, और विन का जो सीएलआर हमारा है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। कोई सा भी मदरबोर्ड हो, चाहे सोनी का हो, डेल का हो, एचपी का हो, लेनोवो का हो, एसर का हो, कोई सा भी मदरबोर्ड हो, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको सीएलआर से ही पता करना है कि इसमें 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले पता कर लेता हूँ कि इसमें मदरबोर्ड में 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है या नहीं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा दिया है, प्रोब को, रेड प्रोब को आपको ग्राउंड करना है, याद रहे रेड प्रोब को ग्राउंड करना है। आप ब्लैक को भी ग्राउंड करोगे तो भी सेम होगा, लेकिन जो नेगेटिव, ये जो रेड प्रोब होता है ये पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जो बैटरी आपके मल्टीमीटर में पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से मे भी कभी कभी बीप साउंड ना आए, इसलिए मैं नेगेटिव को पॉजिटिव पे रखूँगा, पॉजिटिव को ग्राउंड पे रखूँगा। देखिए आप, मैंने इसको यहाँ रखा है, और ये मेरा है सीएलआर। सीएलआर के किसी भी साइड आप मल्टीमीटर को रखिए, देखिए शायद ये ठीक है, टच नहीं हुआ क्या, शायद ग्राउंड सही नहीं लगा, ग्राउंड दूसरी जगह लगाता हूँ। देखिए एक मिनट, मल्टीमीटर में अब सही है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीमीटर में क्या आ रही है, साउंड की बीप सुनाई दे रही है, इसका मतलब हुआ हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। शॉर्ट क्यों है, क्योंकि कभी भी सीएलआर पे अगर बीप सुनाई दे डायोड मोड पे मल्टीमीटर को लगाकर, इसका मतलब 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग तो हमने पता कर ली, इस तरह से शॉर्टिंग पता की जाती है, ठीक है ना। अब इस शॉर्टिंग को क्लियर कैसे करें, तो क्लियर करने के लिए भी कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है इसमें, ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको डीसी मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, डीसी मशीन आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मैं डीसी मशीन के पास ले चलता हूँ आपको, उसमें क्या सेटिंग करनी है। डीसी मशीन में आपको, जिस तरह आप देख सकते हो, मैंने ये दो वायर लगा रखी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ग्रीन वायर जो है वो मेरी पॉजिटिव है, ब्लैक वायर मेरा नेगेटिव है। तो जो ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर को आपको सीएलआर पर जंपर करना है, पॉजिटिव वायर को सीएलआर पर आपको जंपर कर देना है। तो मैं जंपर कर देता हूँ पहले,
देखिए मैं जंपर कर देता हूँ एक बार। तो मैंने जंपर कर दिया है, अब आपको फिर से एक बार डीसी पर ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं डीसी पे जो मेरा वोल्टेज सेट है, लैपटॉप जब रिपेयर करता हूँ तो मैं 20 पे 21 पे 19 पे रख के करता हूँ, लेकिन जब शॉर्टिंग 19 वोल्ट की लाइन शॉर्टिंग हो तो उसमें जो वोल्टेज होता है हमें डिक्रीज़ करना होता है, मतलब कम करना होता है। तो कितना कम करना होता है, तो मैं 0 पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है 0 पे है। एम्पियर जो मेरा है 5 एम्पियर मैंने सेट कर रखा है। अब आप नेगेटिव वायर जो आपने देखी थी वो मैंने ये ले लिया, ठीक है ये मेरी नेगेटिव वायर है। नेगेटिव वायर को आप ग्राउंड पे टच कर दीजिए, ग्राउंड पे आप लगा दीजिए जब तक के लिए। अब आप वोल्टेज को इंक्रीज कीजिए, अभी 0 है वोल्टेज, देखिए मैं इंक्रीज़ करता हूँ वोल्टेज, 1 वोल्टेज इंक्रीज़ किया, एम्पियर में कोई हरकत नहीं है, मैं भी ग्राउंड सही से नहीं लगाओ तो ग्राउंड में टच करता हूँ सही से। मिनट शायद वो ब्रो, सॉरी ये मैंने आउटपुट को ऑन नहीं किया था, ठीक है ये मेरे को चालू करना पड़ेगा डीसी को। ये अब चालू हो गया है, अब आप देख सकते हैं 2 फुट आउटपुट मेरे को मिलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं ग्राउंड पे लगाता हूँ, देखिए मैंने जैसे ही ग्राउंड पे लगाया नेगेटिव वायर तो ये वोल्टेज 2 एम्पियर 190 के ऊपर भाग गया, इसका मतलब हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग है, ठीक है। मतलब वोल्टेज को डिक्रीज़ करने पर अगर एम्पियर इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम शॉर्टिंग कहते हैं बोर्ड में, ठीक है ना, ये शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग को पता करने के लिए हमें छू छू कर टच करना पड़ता है बोर्ड में, आपने कई वीडियो में देखा भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो टच करने से पता चलेगा कि हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग है, कहाँ पर कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो देखिए अभी तो नहीं पता चला, अब वोल्टेज भी अभी थोड़ा आप इंक्रीज़ करिए, क्योंकि ये 19 वोल्ट का आउटपुट सेल आ रहा है तो आप 2 वोल्ट दीजिएगा तो भी हल्का फ़र्क पड़ेगा, आप 4-5 वोल्ट तक ले जाइए। तो उसके बाद आप टच कर करके देखिए 3 वोल्ट, चलिए 4 वोल्ट पे ये करीब 500 के आसपास एम्पियर भाग गया, जो कभी कभी हमारा डिस्प्ले भी आ जाता है इस एम्पियर पर, फिर भी यहाँ तो 19 वोल्ट बस की लाइन में इतना लोड जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ 4 वोल्ट से। तो अब आप एक बार आराम आराम से टच करिए, इसको हाथ में ले लीजिए आप नेगेटिव को, अब आप आराम से टच करिए ग्राउंड में। अब बोर्ड को पलटिएगा तो ग्राउंड भी अपना हटा के पलटिएगा। देखिए मैंने टच किया, डीसी रीडिंग वही 500 के आसपास जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं टच करूँगा एक एक करके, देखिए कंपोनेंट को, यहाँ से तो स्टार्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, आराम से, कहीं जल्दी नहीं करना और आराम आराम से पूरे बोर्ड में आपको जहाँ जहाँ लगता है कि 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप वहीं जाके टच कीजिए, आपका जल्दी होगा। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए पूरे बोर्ड में टच कर, देखिए मेरे को यहाँ पे टच में हीट होना महसूस हुआ है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ हीट हो रहा है। मैं और कहीं देखता हूँ एक बार, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई सेक्शन होगा जहाँ पे 19 वोल्ट एंट्री करता होगा, तो मैं पीछे पलटना पड़ेगा इसको, यहाँ पे तो हल्का हो रहा है, मे भी पीछे से हीटिंग आ रही है। तो मैं देखिए बोर्ड को पीछे पलट लेता हूँ, ग्राउंड मैंने हटा लिया अभी, देखिए ये इस तरफ हो रहा था हीट, इस तरफ हो रहा था, मतलब मेरा जो हीट हो रहा था वो इस तरफ हो रहा था, मे भी यहाँ हो रहा था। तो आप इसको देख के समझ गए होंगे कि ये 3 और 5 वोल्ट का सेक्शन है ना, देख सकते हैं। तो यहाँ जो 3 वोल्ट है 5 वोल्ट का सेक्शन है, मे बी इन्हीं में से कुछ ना कुछ कैपेसिटर या फिर मॉसफेट या आईसी, क्योंकि आईसी के अंदर भी 19 वोल्ट जाता है। तो अब मैं इसको देखिए टच करूँगा ग्राउंड पे एक बार, टच किया एम्पियर वही 550 के आसपास भाग गया, अब मैं टच करूँगा यहाँ, हाँ मेरे को यहाँ पे ये मॉसफेट हीट होता हुआ समझ में आ रहा है, मे बी ये मेन मॉसफेट ही शॉर्ट हो, क्योंकि मेन मॉसफेट पे ही 19 वोल्ट आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हीट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हल मतलब उतना नहीं हो रहा है, देख लाता हूँ फिर भी आपको मैं,
इसके लिए मेरे को दिखलाने के लिए आपको फ्लक्स लगाना पड़ेगा ताकि इसमें से जो स्मोक निकलेगा तो आप वीडियो में देख सकते हो। देखिए अभी तो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, मेरे को थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वोल्टेज इंक्रीज़ करने से एम्पियर बढ़ेगा और इस पर लोड और तेज़ी से आएगा जिसकी वजह से हीट होना और स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहले मैं फ्लक्स थोड़ा और लगा लेता हूँ। जूम कर लेता हूँ वीडियो को, मैं देख सकते हैं आप, मैंने मोबाइल को लटका रखा ना इसलिए हिल रहा है मोबाइल। देखिए मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ 5 वोल्ट। अब देख सकते हैं आपको कुछ नज़र आ रहा है, हीट होता हुआ तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये बहुत तेज़ हीट हो चुका है। शायद आईपी डालने से कुछ हो, आपको दिखलाना भी पड़ेगा। देख सकते हैं कि वो शायद 1 मिनट में डीसी मशीन, एक मिनट डीसी में आप देख सकते हैं, मैं आईपी डालता हूँ इसके ऊपर, देख सकते हैं आप ये कैसे, अब आपको दिख रहा होगा कि मैं आईपी डाल रहा हूँ, ये सूखता चला जा रहा है। मैं एक बार इसके ऊपर फ्लक्स भी लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कैसे ये चूल्हे की आग पे तप रहा है, ये है ना, मतलब ये बोर्ड में शॉर्ट है। तो मैं डीसी मशीन को बंद कर देता हूँ। मैंने जो वोल्टेज सेट किया देख लीजिए, आपको दिखला देता हूँ कितने पे सेट करने पर ये इतना हीट हुआ, 7 वोल्ट पे। एम्पियर देखिए 2.8 एम्पियर चला गया, लोड इस पे पड़ा इसी वजह से ये हीट तेज़ी से होने लगा। ठीक है, स्मोक भी देख सकते हैं आप निकल रहा है। तो मैं डीसी मशीन को बंद कर देता हूँ। अब मैं इस मॉस्फेट को बाहर निकालूंगा, तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं एक बार ग्राउंड हटा के। मैंने निकाल लिया फिर, मॉस्फेट है। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ये मॉस्फेट शॉर्ट है क्या, है ना, या आप सीधा सीएलआर पे जाके मल्टीमीटर से डायोड मोड पे लगा के चेक कर सकते हैं क्या वहाँ से साउंड की बीप जो आ रही थी वो हट गई। अगर हट गई तो मतलब विन लाइन शॉर्ट क्लियर हो चुका है। पहले मैं ये मॉस्फेट भी चेक कर लेता हूँ एक बार निकाला है तो। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोब को ड्रेन पे, एक प्रोब को सोर्स पे लगाया है तो मल्टीमीटर में बीप की साउंड आ रही है। तो आपने मॉस्फेट की क्लास में पढ़ा होगा कि मॉस्फेट बीप नहीं करता है, फॉल्टी कंडीशन में बीप करता है, ओके कंडीशन में बीप नहीं करता है। इसका मतलब मॉस्फेट तो शॉर्ट था ही, यकीनन हमारी 19 वोल्ट की लाइन क्लियर हो गई होगी। तो मैं सीएलआर पे फिर से चलता हूँ क्योंकि वहीं से हम पता करेंगे कि 19 वोल्ट शॉर्ट है या क्लियर है। तो देखिए ये मेरा 19 वोल्ट है, मैंने जंपर लगाया था, एक प्रोब को ग्राउंड करना है, जो ग्राउंड मैंने कराया पॉजिटिव वायर, ब्लैक वायर को पॉजिटिव पे सीएलआर पे लगाएंगे। शॉर्टिंग देखिए, बीप की आवाज़ तो नहीं आ रही है, मैं आपको मल्टीमीटर में भी दिखला देता हूँ, यहाँ से तो नहीं आ रही है, मल्टीमीटर में देख लेते हैं एक बार। ओएल ओवर लिमिट है, देखिए वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 4 डिजिट पे वैल्यू है,
ठीक है ना, 1240 है शायद। देखिए और पास ले लेता हूँ मैं, ये मेरा CLR है, ये मेरा ग्राउंड है, देख सकते हैं आप 18 26, मतलब 1000 से एबव वैल्यू आ रही है और साउंड की बीप भी नहीं आ रही है। इसका मतलब 19 वोल्ट की लाइन क्लियर हो गई। बस आपको इसी तरह से 19 वोल्ट की लाइन शॉर्टिंग क्लियर करनी है। ये मैंने वीडियो बनाई है इसलिए आपको 15 मिनट 20 मिनट का लग रहा है, वैसे आप 2 3 बार देखिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है 19 वोल्ट की लाइन को क्लियर करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। 2 से 3 स्टेप ही फॉलो करना है और आप अपने मदरबोर्ड की 19 वोल्ट की लाइन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस बोर्ड का 19 वोल्ट लाइन आपको बता दिया। कोई सा भी मदरबोर्ड हो आपके पास तो इसी तरह 19 वोल्ट अगर शॉर्ट है या नहीं है तो आपको पता करना है शॉर्टिंग है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं, अब अगली वीडियो में आएंगे फिर 3 और 5 वोल्ट की लाइन जो शॉर्ट होती है उसको कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।